भाईजान सपने तो सबके होते हैं, अब चाहे वो करोड़पति हो या गली का कोई रोडपति हो। जैसे केजरीवाल दिल्ली को लंदन बनाना चाहता है, जैसे कि राहुल गांधी अमेठी को सिंगापुर बनाना चाहता है। क्या करें, सपने तो सबके हैं, लेकिन दोस्त सपने वो नहीं जो रात को नींद में आते हैं, सपने वो नहीं जो रात को नींद में आते हैं, सपने वो होने चाहिए जो रात को सोने नहीं देते। तो आज आपके लिए छोटी सी केस स्टडी लेकर आया हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एकमात्र साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 4,500 करोड़ का मालिक बना। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी के लिए हमारे साथ लास्ट तक के बने रहिए। जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं धीरज दवे और आप देख रहे हैं दवे जी का चैनल। जैसा कि मैंने कहा कि कैसे एकमात्र साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 4,500 करोड़ का मालिक बना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निर्मा डिटर्जेंट पाउडर के संस्थापक यानी डॉक्टर करसन भाई पटेल की, जिन्होंने मात्र 25 की उम्र में 4,500 करोड़ के मालिक बने। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेहसाना के स्कूल में हुई। मात्र 21 की उम्र में इन्होंने बीएससी की पढ़ाई पूरी कर ली। अब इनका एक सपना था, जैसे कि हमें पता है गुजराती में एक कहावत है, जीवन में कई मोटू करवू छे। अब करसन भाई पटेल के दिमाग में वो बात बैठ गई और करसन भाई पटेल को ये भी पता था, यू बिल्ड योर ड्रीम्स अदरवाइज समबडी एल्स विल हायर यू टू बिल्ड हिज ड्रीम। मतलब अपना सपना पूरा कर लो, वरना कोई और उसका सपना पूरा करने के लिए आपको नौकरी पर रख लेगा। इसी के साथ उन्होंने अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी की और उन्हें जियोलॉजी एंड माइनिंग की प्रयोगशाला में सरकारी नौकरी लग गई। अब सरकारी नौकरी तो लग गई, लेकिन उनका सपना कुछ बहुत बड़ा था। उनके सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर के पीछे ही छोटे से कमरे में, अब क्योंकि उनको केमिकल नॉलेज था तो उन्होंने अपने छोटे से कमरे में खुद का डिटर्जेंट बनाना चालू किया और खुद का डिटर्जेंट बना बना के अपने साइकिल पर घूम घूम कर घर घर जाके बेचते थे। दोस्त, संघर्ष कहाँ नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, लेकिन कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी चुनौतियों से लड़ने के बजाय खोखले बहाने बनाता है। तो अब पटेल भाई यहाँ रुके नहीं, उनको पता था कि बिना किसी बड़ी शुरुआत की हार जाने से अच्छा ठोकर खा के गिर ही जाऊंगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। और उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक को छोड़ दी और अहमदाबाद में उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान लगाई और उसमें कड़ी मेहनत की और उसे बहुत आगे बढ़ाया। अहमदाबाद में दुकान तो लगा ली, लेकिन उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब जहाँ पे विदेश की कंपनी हिंदुस्तान अनलिवर लिमिटेड, जैसे कि सर्फ एक्सल, उस समय सर्फ एक्सल 13 रुपए किलो बिक रही थी, तब यहाँ पे करसन भाई ने मात्र 3 रुपए किलो, एल्गोरिदम तो ऐसा लगाया इन्होंने कि मात्र 3 रुपए किलो से इन्होंने डिटर्जेंट बेचना चालू किया और सबको बोलते गए कि मनी बैक गारंटी, अगर पसंद नहीं आया तो पैसा वापस। निर्मा पाउडर की क्वालिटी इतनी जबरदस्त कि देखते देखते पूरे गुजरात में वो सफल हो गया और बहुत कम समय में। पर करसन भाई यहाँ पे रुके नहीं, उनको मालूम था कि मुझे कुछ बड़ा करना है और मैं करके रहूंगा। उन्होंने एक बात ठान ली थी, जब वो गुजरात से बाहर निकले, एमपी यूपी महाराष्ट्र और राजस्थान में जब उन्होंने सप्लाई करना चालू किया, तब उनको भारी भर का नुकसान हुआ, उनको प्रोडक्शन बंद करना पड़ा अपना। वो क्यों? क्योंकि जब वो अपना माल बेचते थे दुकानदार को तो क्रेडिट में देते थे, और जब महीना खत्म होने के बाद वापस उनका एम्प्लॉयर जब दुकान पे जाता पैसा इकट्ठा करने के लिए, या तो फिर दुकानदार उसको भगा देता या तो फिर दुकानदार कुछ बहाने बता के उसको बोलता था कि अगले महीने दूंगा। इससे उनको बहुत लॉस हुआ, पर वे गुजराती ठहरे। तब करसन भाई ने धीरूभाई अंबानी का प्लान अपनाया, उन्होंने दुकानों से सारा प्रोडक्ट्स वापस अपने स्टोर में मंगा लिया और जमा दिया। अब उस समय क्या हो रहा था, दूरदर्शन और जो रेडियो थे वो उसकी बिक्री इतनी बढ़ रही थी, तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक एडवर्टाइजमेंट बनाऊं। और उसी समय 4 लड़कियां एक वैन को धक्का दे रही थी। अरे भाई धीरज क्या बोल रहा है, 4 लड़की, मैं बताता हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट तो देख लो कम से कम। सबकी पसंद निर्मा। इस एक एडवर्टाइजमेंट ने पूरे मार्केट में हलचल मचा दी। सब कहने लगे, भाई निर्मा का है, निर्मा का है, हमको भी निर्मा चाहिए, हमारी पसंद निर्मा। ऐसी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, आज भी बच्चे को याद है ये एडवर्टाइजमेंट। तो क्या हुआ, अब निर्मा तो था ही नहीं, क्योंकि करसन भाई ने पहले से ही जो पूरा स्टॉक था वो वापस अपने गोडाउन में मंगा लिया। अब डिमांड इतनी बढ़ गई कि सारे दुकानदार माल लेने पहुंच गए। तब करसन भाई ने बोला कि पैसा दो और माल लेकर जाओ, यही तो होता असली गुजराती। और देखते देखते करसन भाई के प्रोडक्ट पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए और आज उनके पास खुद का हेलीकॉप्टर भी है।
और आज के समय करसन भाई के जो प्रोडक्ट्स है ना निर्मा, वो विदेश भी जाते हैं। तो दोस्तों आज की केस स्टडी बताने का ये मतलब है कि अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा सोचते हैं और आपके कुछ बड़े सपने हैं तो उस काम को चालू करो ना यार, इतना झिझकते क्यों हो भाई। संघर्ष तो हर जीवन में है और ऐसा जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ही ना हो। चुनौतियां तो हर काम में आएगी आपको, पर आपको कैसे लड़ना है वो आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों अगर मौके नहीं मिलते ना तो मौके बनाना सीख लो, लेकिन कुछ बड़ा शुरुआत किए बिना हार जाने से अच्छा ठोकर खा के गिर जाओ चलेगा। उस ठोकर से भी आपको कुछ सीख मिलेगी। अगर उस समय करसन भाई पटेल ये सोचकर बैठ जाते कि सर बीएससी कर ली है और सरकारी नौकरी मिल गई है अब आगे क्या ही कर लूंगा, तो आज उनका इतना बड़ा नाम नहीं होता। जब वे घर घर घूमते अपनी साइकिल लेके अपना प्रोडक्ट बेचते तब लोग उनके मुंह पे दरवाजे बंद करते होंगे ना, उनको कितना बुरा लगता होगा ना। तो ये मेहनत छोड़ के सरकारी नौकरी करता हूँ ये भी वो सोचते होंगे ना, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने संघर्ष करते गए क्योंकि वे जानते थे कि संघर्षमय जीवन ही आपको सक्सेस दिलाएगा। और ऐसे करते करते वे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। तो दोस्त निराश मत हो, अगर मौके नहीं मिल रहे हैं तो मौके बनाना ढूंढ लो। तो मैं आपको फिर से कहता हूँ, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होने चाहिए जो रात को सोने ना दे। इसी के साथ मैं धीरे धीरे आज के चैप्टर क्लोज करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए कंटेंट पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।